यमुना एक्सप्रेसवे रोड, जिस पे आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि लोगों के टायर फट जाते हैं और ज़्यादा स्पीड, ओवर स्पीड होने के वजह से भी गाड़ियाँ पलट जाती हैं, टायर फटने से अनकंट्रोल हो जाती हैं, वो जाके डिवाइडर से टकरा जाती हैं या एक दूसरे को हिट कर देती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये टायर फटने का कारण क्या है और ये रोड में ऐसा क्या है कि ज़्यादा ओवर स्पीडिंग होने की वजह से हमारे टायर हीट अप हो जाते हैं और वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखेंगे कि जैसे इस रोड पे अगर हम ज़्यादा ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाते हैं तो इस रोड पे कंक्रीट का बना हुआ है पूरा थोरोली रोड, कहीं कहीं पैचेज हैं टावर के, लेकिन इसमें ग्रूव्स काफ़ी बने हुए हैं। ग्रूव्स का रखने का कारण ये था कि ग्रिपिंग अच्छा हो गाड़ी में, लेकिन ये ग्रूव्स जो है नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हो रहा है और इसके वजह से क्या है, गाड़ी के जो टायर्स हैं जल्दी हीट अप हो जाते हैं और उसका रबड़ जो है बहुत जल्दी जो है खप जाता है, यानी कि उसका जो है रबड़ जो है आपका हीट होता है और जिसके वजह से वो टायर जो है फट जाते हैं रोड पर। तो इसमें सबसे अच्छा यही है कि आप अपने जो है कंट्रोल रखिए स्पीड को गाड़ी की। आप अपनी लाइन में चलिए, ज़्यादा ओवरटेकिंग ना करें, और ओवरटेकिंग करने के लिए आपका राइट साइड से ही ओवरटेकिंग करेंगे और जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप 100 की स्पीड से ऊपर जाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा, चालान आपके घर आ जाएगा। इसमें दिल्ली से आगरा तक जाने के लिए 3 टोल आते हैं और फर्स्ट टाइम जो टोल होता है इसमें करीब 450 रुपये, 450 रुपीज़ जो है टोल आपको पे करना पड़ता है। रोड काफ़ी वाइड है, खुला हुआ है और इसीलिए लोग बाग यहाँ पे ऐसा होता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा कर देते हैं। आप अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें और आफ्टर टोल जो है कुछ रेस्टोरेंट टाइप के बने हुए हैं, रिफ्रेशमेंट आप वहाँ पे अपना भोजन कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इस टाइम मेरा गाड़ी जो है 100 की स्पीड पे जा रहा है, 100 कार के लिए जो है ये आपका अलाउड स्पीड है, इससे ऊपर जो है आप जाते हैं तो वो जो है चालान हो जाएगा आपका कैमरे में, अगर आपका आ जाता है इसके अंदर। तो मेरा सजेशन, आप जो है कंट्रोल रखिए अपनी स्पीड को, जितना मिनिमम हो उसी स्पीड पे जाइएगा। ये लास्ट टोल के बाद में जो है आगरा आते वक्त इस टाइप से जो है आपको अरावली की थोड़ी सी पहाड़ी टाइप का इलाका आएगा, यहाँ आकर के आपका जो है ये टोल रोड ख़त्म हो जाता है। जहाँ आपका आगरा की, अगर आपको आगरा जाना है तो आप आगरा के लिए जो है लेफ़्ट टर्न लेकर के आगरा निकल जाएंगे, और अगर आपको ग्वालियर और कानपुर साइड में जाना है तो आप सीधे चले जाएंगे। तो मुझे आगरा जाना है तो मैं आगरा के लिए आपने टर्न ले लिया मैंने लेफ़्ट, और ये टर्न लेफ़्ट लेकर के आप सीधा जो फिरोजाबाद रोड है ओल्ड वाला उस पर आ जाता है और टूवर्ड आगरा की तरफ आप सीधे चले जाइएगा। तो दिस रोड इज गोइंग टू टूवर्ड आगरा, और यहीं से एक आगे से रोड जाता है जो अगर आप सिटी में नहीं जाना चाहते हैं, ताजमहल के लिए देखने जाना है, तो ताजमहल के लिए एक बोर्ड आएगा, साइन बोर्ड आएगा, उसको देख करके आप वहाँ से कट जाएंगे
और उस साइड से आप जो है ताजमहल डायरेक्ट जा सकते हैं रोड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।